आज सुबह हमने कड़ा MCHI और कड़ा थाना भारतीय जैन संघ के साथ सहयोग में डिस्पेंसरी एम्बुलेंस सर्विस हमारे दोस्ती वेस्ट काउंटी कंपाउंड में शुरू की है एज अ डेपो। आज से 3 डिस्पेंसरी सर्विसेज जो है वो शुरू हुई है, जो पेशेंट्स को डॉक्टर नहीं मिलते हैं नॉन कोरोना डिसीज के लिए भी, जनरल प्रैक्टिशनर सब जो पूरे एरिया में बंद हो गए हैं तो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, हॉस्पिटल में कोरोना के डर की वजह से एडवाइस किया है कि आप नहीं जाओ, तो उनके लिए हम उनके घर तक ये एम्बुलेंस डिस्पेंसरी सर्विसेज उनके घर तक पहुंचाएंगे और साथ में वो एम्बुलेंस के साथ उसके डॉक्टर कंपाउंडर और सब मेडिकल फैसिलिटी दवाइयाँ सब साथ में रहेगी। तो एवरेज ये सर्विसेज शुरू हुई पूना से फिर मुंबई और मुंबई से थाना, डेली एक एम्बुलेंस सर्विस 300 पेशेंट्स को एवरेज फैसिलिटी चेकिंग की करती है और दवाई देती है। हम यहाँ थाना में कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा बढ़ सके उतने एम्बुलेंस फैसिलिटी सर्विसेज शुरू करेंगे और पेशेंट्स को घर तक डॉक्टर और दवाई की फैसिलिटी देंगे। ये कोशिश हमारी रहेगी कि इस फैसिलिटी की वजह से जो कहीं लगे कोई सस्पेक्ट कोविड पेशेंट भी रहेगा तो तुरंत ही उनको म्यूनसिपल हॉस्पिटल में उसकी एडमिशन की भी व्यवस्था करवाएंगे और उनको अलग से ट्रीटमेंट की फैसिलिटी पर मेहनत करेंगे। ये फैसिलिटी जो है वो ओवरऑल आज के जमाने जो अभी जो चैलेंजिंग टाइम रहा है, चैलेंजिंग टाइम के अंदर में डॉक्टर्स मिलने मुश्किल रहे हैं और डॉक्टर्स जो थे उन्होंने फैसिलिटी बंद कर दी है, तो शांतिलाल मुखर्जी जैन भारतीय जैन समाज उन्होंने ये इनिशिएशन लिया था और उन्होंने इनिशिएशन लेके फिर पूना से शुरू की, फिर पूना से उन्होंने ये फैसिलिटी मुंबई कड़ा MCHI के साथ टाई अप करके आगे बढ़ाई और हम कड़ाई थाना के साथ ये फैसिलिटी थाना से आज से शुरू कर रहे हैं। इनॉग्रेशन हमने किया सुबह में, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे साहब, कमिश्नर थाना, डिप्टी कमिश्नर थाना आए थे, उनके हाथ से आज से इनॉग्रेशन हुआ है और ये फैसिलिटी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आज से शुरू कर रहे हैं।